चार साल पहले हुई वारदात चर्चित निमकड़े हत्याकांड के सूत्रधार रंजीत सफलकर को अपराध शाखा की टीम ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद बुधवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान अपराध शाखा की टीम उसे नंगे पांव न्यायालय ले गई। इस संदर्भ में अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त गजानन राजमाने ने अधिक जानकारी साझा की है। 6 सितंबर 2016 को तहसील थाना क्षेत्र के लाल इमली मार्ग पर आर्किटेक्ट एकनाथ निमकड़े की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक जांच में जमीन का विवाद सामने आया था, बाद में यह केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई भी इसमें कुछ खास नहीं कर पाई। इस हत्याकांड के सूत्रधार के तौर पर अपराधी से नेता बने रंजीत सफलकर का नाम सामने आया है। वह भूमिगत था। प्रकरण में रंजीत के साथी रहे शहबाज शेख, अफसर राजा, परवेज अब्दुल, अल्ताफ, नासिर, फिरोज और मुस्ताक उर्फ मस्सू छोटे साहब अशरफी को गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसके बाद पुलिस ने रंजीत सफलकर को भी पकड़ में यश प्राप्त किया गया। इसके बाद बुधवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान अपराध शाखा की टीम उसे नंगे पांव न्यायालय में ले गई, जिसके बारे में अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त गजानन राजमाने ने अधिक जानकारी साझा की। रंजीत सपेलकर नावाचा एक बदमाश होता, कामटी एरिया मध्ये राहायचा, त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत। त्याला आज अरेस्ट केलेली आहे क्राइम ब्रांचने। PI संदीपान पवार साहेब त्याचे तपास करत आहेत, नलावडे साहेब मार्गदर्शन करत आहेत। यामध्ये 7 तारखेपर्यंत PCR मिळालेला आहे। तो त्याच्या भावाबरोबर काळू हाते आणि भारत हाटे इतर काही गँग लीडर आहेत त्यांच्याबरोबर सगळे काळे कृत्य करत होता। मर्डर बरेच त्याच्यावर दाखल आहेत, काही एक्स्ट्रॉशनच्या केसेस पण केलेल्या आहेत त्यानं, बऱ्याच जणांना अत्याचार केलेला आहे बऱ्याच लोकांच्यावर, अशी माहिती येत आहे। पण आपल्या माध्यमातून मी आवाहन करतो लोकांना कामठी एरियातली आणि नागपूर शहरातील की काही आपल्या तक्रारी असतील तर बिना झिझक आपण आमच्याकडं संपर्क साधा, आयोगाकडे संपर्क साधा किंवा ACP साहेब आहेत त्यांच्याकडे संपर्क साधा। 100% त्यामध्ये कारवाई होईल आणि अशी लोक जेलच्या बाहेर नसायला हवेत। याचं जे पास्ट रेकॉर्ड बघितलं तर व्हाईट कॉलरनं भर अनेक ठिकाणी प्रॉपर्टी पण त्यांनी कमवलेली आहे, माहिती आमच्यापर्यंत होत आहे। पुढे ह्याच्यावर अजून स्ट्रिक्ट कारवाई होत राहील। जय हिंद। जे सफलकर को पकड़ना नागपुर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी साबित हुई। इस संदर्भ में PCN न्यूज के संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने अधिक जानकारी साझा की। कुख्यात अपराधी रंजीत सफलकर को आज न्यायालय में पेश किया गया। क्राइम ब्रांच की ओर से जो है न्यायालय में उसे पेश किया गया था। नंगे पांव जो है कुख्यात अपराधी सफलकर को न्यायालय में लाया गया था। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ है। न्यायालय में अंबेकर जो कुख्यात अपराधी है उसे भी न्यायालय में इसी तरह लाया गया था। जो पुलिस का ये प्रयास है कि जो सामान्य आम आदमी हैं उनके मन में से, उनके दिल से इन लोगों के खिलाफ जो मन में डर पैदा हुआ है वो डर जो है निकल जाए, इसलिए ये पुलिस द्वारा किया हुआ एक प्रयास है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज, माइकल रामपुरे के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।